है ना दोस्तों, अभी मैं जब अपना YouTube ओपन कर रहा था, वाइट स्टूडियो में बार क्लिक करके ओपन कर रहा था और चैनल चेंज करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मेरा 3-4 चैनल मेरा ऐड है, तो एक प्रॉब्लम उसमें दिखी दोस्तों। जब भी उसको क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर एक चैनल तो ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी के नीचे के चैनल गायब हो गए। ये क्या हो रहा है YouTube पे, क्यों हो रहा है, और YouTube कर क्या रहा है, ये किस तरीके का कमाल कर रहा है, क्या खेल कर रहा है, ये बड़ा हैरान कर देने वाला बात है। क्योंकि 4-4, 5-5 चैनल होते हैं, अलग अलग चैनल इसलिए बनाते हैं लोग क्योंकि अपने आप को रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, अलग अलग तरीके का डालते हैं और चेक करते हैं उनका कौन सा चैनल चल जाएगा, ये देखना पड़ता है। इसकी वजह से लोग कोई चैनल रखते हैं, मैंने भी रखा हुआ 3-4 चैनल, और उसमें जब क्लिक कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल बाकी के आ ही नहीं रहे। ऐसा प्रॉब्लम YouTube पे चल रहा है, और मैंने बहुत सारे कई वीडियो भी देखा जिसमें भी ये बात बताया जा रहा है, जिसमें कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है बाकी सारे क्रिएटर्स को भी। तो मैं अपने YT स्टूडियो में चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों देखते हैं मोबाइल में ही सिर्फ आ रही है या फिर डेस्कटॉप या पीसी में भी आ रही है, ये भी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और अपने YouTube को ओपन कर लेते हैं। अब इसके बाद जब ये ओपन हो जाता है तो YT स्टूडियो को ओपन करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सिर्फ मोबाइल में ही आ रहा है या फिर मोबाइल में तो आ रहा है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था वीडियो शूट करने से पहले, जब मोबाइल में अभी भी आ रहा है। अब डेस्कटॉप में आ रहा है कि नहीं ये क्लियर कर लेते हैं, तो इससे पता लग जाएगा कि वाकई में प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ से YT स्टूडियो में जाऊँगा, तो देख सकते हैं ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग YT स्टूडियो में चले जाएँ, जब तक ओपन हो रहा है थोड़ा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा लेट लगता है इसमें, तो देख सकते हैं ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे ओपन हो गया दोस्तों, अब हम इसको दोबारा से इसी को क्लिक करते हैं, और दोबारा से जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे स्विच का ऑप्शन दे रहा है, मतलब एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाने के लिए स्विच का ऑप्शन, तो इसको क्लिक करेंगे। स्विच पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे दो चैनल है, और दो चैनल है तो दोनों दिखाई दे रहा है, लेकिन मोबाइल में 4-5 चैनल मेरा ये है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। उसको मैं आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा दिखा देता हूँ, नीचे देख सकते होंगे कि सिर्फ एक ही चैनल दिखाई दे रहा है, बाकी के चैनल का नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि YouTube में जो भी कुछ हो रहा है ये कुछ ना कुछ YouTube का अपडेट या किसी फीचर्स के वजह से हो रहा है जो YouTube मोबाइल में कर रहा है। अभी डेस्कटॉप वाले फीचर में, डेस्कटॉप वाले मोड में नहीं कर रहा है, ये कर रहा है मोबाइल में, जो मोबाइल का एप्लीकेशन है उनका उसमें वो चेंजिंग कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो इसके वजह से दिखाई दे रहा है। यानी कि ये पूरी तरीके से YouTube का कोई बग है या फिर उस पर कोई काम चल रहा है YouTube का, जिसके वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है। अब देख सकते हैं मैं इसमें चैनल में भी जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, ओपन करना चाहूँगा तो यहीं से YT स्टूडियो ओपन हो जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसी चीज़ को बार बार आगे पीछे भी करते हैं तो खूब आराम से हो जा रहा है। देखिए ये भी चैनल मेरा ओपन हो चुका है, क्रिएटर्स चैंपियन सपोर्ट दोस्तों ये चैनल का नाम है, मेरा नया चैनल है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से इस पर भी टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड ही वीडियो आती है दोस्तों, तो इसको आप अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो। और दोबारा से अगर स्विच करता हूँ तो देख सकते हैं उस पर जा सकते हैं, तो खूब आराम से ये हो जा रहा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही दोस्तों, लेकिन ये चीज़ मोबाइल में नहीं हो रही है। ये भी हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया आपको। उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से जानकारी आपको मिल गई हो। अगर दोस्तों कुछ भी थोड़ा सा भी अगर सीखने को कुछ जानने को आपको मिला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर लगी है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें और तभी लाइक करें, अन्यथा ना करें, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन पसंद आया है दिल से जरूर कीजिए, ये बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि हम लोग आपके आप लोग आप ही लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने के लिए काम करें कंटिन्यू, जिससे आपको नॉलेज करंट टाइम में मिल सके। और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों जब आप लोग कमेंट करते हैं, और अच्छे अच्छे जब कमेंट करते हैं तो वो से दिल खुश हो जाता है और दिल गौरवान्वित होता है कि मैंने आज कुछ किया है और किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू एड किया है। थोड़ा सा भी मैं जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है।